Hi guys, this is Monica and you're watching Match on the Week. आज हमारे साथ लॉकअप के फाइनलिस्ट जो विनर बन चुके हैं, सुना और कैसा रहा खबर? क्या कुछ कहोगे, कितनी अहमियत है इस ट्रॉफी? बहुत ज़्यादा अहमियत, क्योंकि ये ट्रॉफी मुझे जीतने में जिन्होंने हेल्प की और जिन्होंने प्यार भेजा, जिसकी वजह से ट्रॉफी यहाँ पे हाथ मिले, तो ये मुझे लगता है कि वो लाखों लोग का प्यार इसके अंदर है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं बाहर क्या क्या प्रोजेक्ट है, बट मेरी दोस्ती ऑलमोस्ट सबके साथ अच्छी थी और गेम में होता है ऊपर नीचे हो जाता है किसी के साथ दोस्ती, बट बाहर जाकर मुझे लगता है सबने मेरे दोस्त अच्छे बच्चे हैं। अच्छी बात है, गुजराती को अगर बोला जाए कि दिमाग अच्छा है तो वो तो कॉम्प्लीमेंट ही है, बाई डिफॉल्ट ही है, पर बहुत शुक्रिया उस चीज़ का। वही होता है कि जब आप सच्ची नीयत से कुछ काम शुरू करते हो तो उसके बदले में जो चीज़ अच्छी है। यहाँ पे आना ही, क्योंकि 24/7 फ्रेंड हो उसके सामने रहना, तो यहाँ पे आना बेस्ट बन रही है। 24/7 यहाँ से जाना बैठ रहा हूँ। फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? बस ऐसे प्यार देते हो और इतना शुक्रिया मैं आप लोगों का कंटेंट के साथ कर सकता हूँ। हाय, माय नेम इज मनोहर फारूकी एंड आई एम वाचिंग यू ऑन टीवी। यही है कि आपको आपके 10 सेकंड या 20 सेकंड के काम को देखकर आपको मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है, लेकिन जब 24 घंटे सातों दिन आप पे कैमरा हो और वो जनता उसकी गवाह हो, तब आप सही में क्या हो वो लोगों तक पहुंचता है। और शायद मेरे नसीब में ये मौका लिखा होगा कि मेरे डॉट्स होंगे ज़िंदगी के, पहले मुझे मिसअंडरस्टूड किया गया और आज अगर इन्हीं लोगों ने इतना प्यार दिया है तो मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ दिल से, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे को ये मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का। मेरे पास बहुत डिफ़िकल्ट ऑडियंस था, हर आर्टिस्ट को ये मौका नहीं मिलता कि उसको एक डिफ़िकल्ट ऑडियंस मिले जिनका उन्हें दिल जीतना पड़े, तो मेरे साथ ये हुआ कि एक ऑडियंस की जो बहुत डिफ़िकल्टी थी मेरे लिए, बट मैंने वो किया है और मैं आगे भी करता रहूँ। डू यू बिलीव पीपल आर गोइंग टू सी यू इन अ डिफरेंट वे व्हेन यू गो आउट, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु वे सीइंग यू इन अ डिफरेंट वे, काफ़ी वो दो मिनट की वीडियो, आप जेल भी जा चुके थे, अब रियलिटी शो के जेल के विनर बन चुके हैं, ट्रॉफी हाथ में, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? वापस सवाल बोल दो जोनो रो। आप मुनावर, आपने मतलब कहीं अपने योर लाइफ इज वेरी, मतलब आपने एक जेल में भी गए, आपको कई लोगों ने सपोर्ट किया है एक सेक्शन, लेकिन क्या अब आगे की जो जर्नी है तो ये कंट्रोवर्सी से आप बच पाएंगे और अपने करियर में ज़्यादा फोकस रह गया? देखो, कंट्रोवर्सी से ही नाम बड़ा ना होता तो बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं, हम दिन रात जोक लिखते हैं, ओपन माइक्स में जाते हैं, स्टैंडअप कॉमेडियन हूँ मैं, तो मुझे पता है व्हाट इट टेक्स टू मेक 100 पीपल लाफ टुगेदर, जिनका सबका डीएनए अलग है, जो सब अलग सोचते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है एक जोक लिखना, और कहीं होता है कि एक उम्र है, एक एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है, तो जो एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि मैं अपने काम से किसी का दिल दुखाऊँ, तो डेफिनेटली मेरे काम से लोगों के चेहरे पर सिर्फ हंसी आएगी।